हिमाचल के जिला कांगड़ा में सूरजपुर स्थित ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिना किसी अनुमति के रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रही थी। रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले का खुलासा इंदौर क्राइम ब्रांच ने किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक शख्स को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी के पास से नकली रेमडेसिविर के 16 बॉक्स मिले हैं, जिसमें से एक बॉक्स में 25 के करीब इंजेक्शन थे। जिला कांगड़ा के सूरजपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले का खुलासा इंदौर क्राइम ब्रांच ने किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी के पास से नकली रेमडेसिविर के 16 बॉक्स मिले हैं, जिसमें से एक बॉक्स में 25 के करीब इंजेक्शन थे। आरोपी शख्स पेशे से चिकित्सक हैं और मध्य प्रदेश के इंदौरा से ताल्लुक रखता है, जिसकी ओर से लॉकडाउन के बाद ट्यूलिप फॉर्मुलेशन कंपनी में फिर से प्रोडक्शन शुरू कर दी गई थी और इसी बीच साल 2020 के दिसंबर माह में यहां रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के लिए बकायदा धर्मशाला स्थित असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और लाइसेंस अथॉरिटी आशीष रैना के पास आकर अनुमति भी मांगी गई थी, जिसके लिए बकायदा आरोपी शख्स द्वारा कंपनी के मैनेजर पिंटू कुमार को उनके पास भेजा था, मगर उन्हें इंजेक्शन की प्रोडक्शन करने की परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद कंपनी अपने प्लांट में कानूनी तौर पर पेंटाजोल टेबलेट्स का ही उत्पादन कर रही थी। जानकारी के अनुसार ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद बंद थी। अगस्त 2020 को इंदौर के रहने वाले आरोपी ने ही कंपनी में फिर से उत्पादन शुरू करवाया था और स्टाफ को हर महीने सैलरी भी वही दे रहे थे। कंपनी में वर्तमान में 7 कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनमें से 2 सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। इस पूरे मामले को लेकर असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला आशीष रैना से जब बात करनी चाहिए तो उनके कार्यालय में ताला लटका हुआ था, जबकि उनका मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद से असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला आशीष रैना अपने सहयोगी इंस्पेक्टर प्यारचंद के साथ मौके पर पहुंच गए थे और वहां उन्होंने गहनता से छानबीन करने पर पाया कि सूरजपुर स्थित ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की अनुमति तो है, किंतु इन्हें बनाते वक्त किसी विशेषज्ञ का होना जरूरी है, लेकिन ये इंजेक्शन बिना विशेषज्ञ की उपस्थिति में ही बना दिए गए हैं। उपायुक्त राकेश प्रजापति की माने तो उनके जिला के इंदौर उपमंडल में इस तरह का वाकया सामने आया है, ये उनके जहन में है और संबंधित अधिकारियों और पुलिस विभाग को इस बारे में अलर्ट कर दिया गया है, साथ ही तुरंत जानकारी जुटाने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके पास पूरे मामले की जानकारी मिलेगी वो उसे जरूर सार्वजनिक करेंगे। ये जो मामला है मध्य प्रदेश में कहीं उजागर हुआ है इंदौर से, और उसके बाद कुछ कनेक्शन इसका कांगड़ा जिले से जोड़ा जा रहा है। इसमें कल पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इसकी जांच पड़ताल करें और ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से भी जानकारी जो है इकट्ठा की जा रही है। आने वाले समय में कोई सच्चाई होगी तो जो भी कार्रवाई बनती है, जो भी सूचना आपके साथ शेयर करने की जरूरत होगी, वो शेयर की जाएगी। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।